हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय सेल्फ निशान मांडलिया। आज हम स्टैंडर्ड 11 के पहले चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 2021 में। आज हमारा YouTube चैनल में स्टैंडर्ड 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर है, एवरी वीक हम उनको YouTube चैनल में अपलोड करेंगे, तो आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आज हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। अकाउंट है तो अकाउंट की खुद की टर्मिनोलॉजी है, अकाउंट के खुद के कंसेप्ट है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको अच्छी तरह पहले समझना पड़ेगा। ये टर्मिनोलॉजी, जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी कंसेप्ट है, अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो आगे जाके आपको अकाउंट बहुत इजी लगेगा। डायरेक्टली आप कोई भी सम स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको थियरी एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। आज हम थियरी एस्पेक्ट में सबसे पहले डेफिनेशन देखने वाले, जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला डेफिनेशन है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है, देखो एक आपको मैं एडवाइस दे रहा हूं। अकाउंट में, अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आप पर्सनल लाइफ के साथ, उसके साथ रिलेट करेंगे तो अकाउंट आपको बहुत इजी लगेगा। कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी डेफिनेशन हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट करना पड़ेगा। अगर आपने पर्सनल लाइफ के साथ थोड़ा रिलेट किया तो आपको अकाउंट क्या लगेगा, इजी। सबसे पहले डेफिनेशन आप देखो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन समझने पहले हम उसके क्या करेंगे, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो, कि एक मोबाइल शॉप है, और एक कस्टमर है। कस्टमर मोबाइल शॉप पे जाता है और उसका एक मोबाइल परचेस करने का प्लानिंग है। कस्टमर मोबाइल शॉप में मोबाइल की इंक्वायरी करने के बाद एक मोबाइल को चूज करता है। अब लॉजिकली मोबाइल शॉप यानी कि जो पर्सन चला रहा है उनको एक्सचेंज करेगा, यानी कि उनको एक प्रोडक्ट देगा जिसका नाम है मोबाइल। तो इसने कस्टमर को क्या दिया, मोबाइल दिया। लॉजिकली ये मोबाइल फ्री में तो नहीं देंगे, सामने कस्टमर उसको मनी एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, मनी एक्सचेंज। तो उसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई भी एक्सचेंज होगा प्रोडक्ट या सर्विस। इसने इसको प्रोडक्ट दिया और लॉजिकली इसने इनको सामने क्या दिया, मनी दिया। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस वो एक्सचेंज करेंगे, सामने देंगे, सामने रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। क्या मिलेगा, मनी। तो उसका मतलब ये दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई वो ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। आप कहीं पे कोई भी चीज लेने जाते हो, कोई भी चीज परचेस करते हो, तो आपके पास वो प्रोडक्ट या सर्विस आएगी, सामने आप क्या करने वाले हो, उनके मनी पे करने वाले हो। तो आपके और वो जो शॉप है, वो पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है, वो ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इसमें से एनालिसिस कीजिए, लॉजिकली बिजनेस ट्रांजेक्शन में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, मोर देन टू। टू पार्टी हो या मोर देन टू पार्टी हो तो ही बिजनेस ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होना चाहिए, एक पर्सन अपना प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज करेगा तो लॉजिकली सामने अदर पर्सन उसको क्या देगा, मनी देगा। क्या देगा, मनी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज होती है और सामने हमने क्या मिलते हैं, उनके मनी मिलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो लॉजिकली आपको वो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इसी तरीके से समझ में आएगी। अब इसकी टेक्निकली बुक की लैंग्वेज देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चेक कीजिए बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। एक्सचेंज होती है, क्या एक्सचेंज होती है, प्रोडक्ट होती है या फिर सर्विस एक्सचेंज होती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया या फिर कोई सर्विस देगा। कंडीशन, बिटवीन टू और मोर पर्सन, कितने पर्सन होने चाहिए, टू और मोर पर्सन होने चाहिए, तो ही बिजनेस ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन पॉसिबल है नहीं। ये जो ट्रांजेक्शन होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, कैश फॉर्म में होगा या क्रेडिट फॉर्म में। कैश फॉर्म और क्रेडिट फॉर्म, यानी कि अगर मैंने कोई चीज परचेस की है उसके मनी इमीडिएटली पे करो, तो वो कैश ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने कोई चीज परचेस की है और उसके मनी में फ्यूचर डेट पे 15 डेज के बाद, 20 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद पे करो, तो वो ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट। कैश में हम इमीडिएटली पेमेंट करते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसका हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर डेट पे। कौन सी डेट पे करेंगे, फ्यूचर डेट पे। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि ट्रांजेक्शन दो तरीके हो सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन हो सकता है जिससे इमीडिएटली पेमेंट हम करेंगे,
और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब पेमेंट होगा लेकिन फ्यूचर डेट पे होगा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन याद रखने के लिए तीन कीवर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक्सचेंज होगा प्रोडक्ट एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, वो ट्रांजेक्शन या तो कैश फॉर्म में होगी या तो क्रेडिट फॉर्म में होगी। कौन से फॉर्म में होगी? या तो कैश फॉर्म में होगी या तो क्रेडिट फॉर्म में। ये हुआ आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन है नंबर वन कि बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब वहां पे मनी एक्सचेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैंने ट्यूशन क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सर्विस दे रहा हूँ, सामने वो मुझे मनी पे कर रहे, फीस पे कर रहे, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। कौन सा हुआ? इकोनॉमिक। कुछ स्टूडेंट्स है, अज्यूम करो उनको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ पर सामने मनी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे और उनके बीच में नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। अकाउंट्स में एक बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अकाउंट में ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कभी अकाउंट रिकॉर्ड करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे मनी मेजरमेंट नहीं है। मनी मेजरमेंट नहीं है तो अकाउंट फिर उसको किस तरह रिकॉर्ड करेगा आगे ट्रांजेक्शन को? पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंट में ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अकाउंट में कभी रिकॉर्ड होंगे नहीं। यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो क्या हो सकते हैं? मनी में मेजर हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी में मेजर हो तो वो ट्रांजेक्शन को जनरली कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर? ट्रांजेक्शन दो तरीके होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो आपको मैंने समझाया। ट्रांजेक्शन या तो कैश फॉर्म में होगा या तो क्रेडिट फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आपको तीन कीवर्ड्स, एक्सचेंज होगा प्रोडक्ट एंड सर्विस, सामने कितने पर्सन होना चाहिए? टू और मोर पर्सन, और वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो जनरली कैश फॉर्म में होगा या क्रेडिट फॉर्म में। और इंपॉर्टेंट कंडीशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑलवेज कौन सा होना चाहिए? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को अकाउंट कभी रिकॉर्ड करेगा नहीं। तो ये हुआ आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है कि आपको ये मैंने समझाया कि अकाउंट में कोई भी कंसेप्ट होते हैं तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन जनरली दो टाइप के होते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। नंबर वन, कैश ट्रांजेक्शन, और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक होगा कैश ट्रांजेक्शन तो दूसरा होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जनरली जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपको मैंने समझाया कि कैश ट्रांजेक्शन में एक चीज याद रखना, इमीडिएटली पेमेंट होता है। क्या होता है? इमीडिएटली पेमेंट, वहां पे तुरंत हम पेमेंट कर देंगे, तुरंत पेमेंट करें ऐसे ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पेमेंट होगी लेकिन कौन सी डेट पे होगी? फ्यूचर डेट पे। कौन सी डेट पे होगी? फ्यूचर डेट पे। तो जो ट्रांजेक्शन हम इमीडिएटली पेमेंट करें ऐसे ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे, और जो हम पेमेंट करेंगे लेकिन फ्यूचर डेट पे करेंगे 15 डेज, 30 डेज या फिर 60 डेज, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलने वाले बच्चों? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, आपको ऐसा पूछे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने टाइप्स के हैं, तो आप लिख सकते हो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जनरली दो टाइप के हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन जहां पे इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगा, और दूसरा एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वहां पे पेमेंट होगा लेकिन फ्यूचर डेट पे होगा। कौन सी डेट पे होगा? फ्यूचर डेट पे। तो ये हो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकाउंट में ये है, 11th 12th बीकॉम बीबीए सीए कुछ भी करेंगे ये डेफिनेशन आपके साथ रहने वाला है। क्लियर? जनरली आप आगे जाके इंटरव्यू फेस करेंगे, कुछ भी चीज होगी जनरल नॉलेज में, कहीं ना कहीं आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कैपिटल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमारा रूल्स है, कैपिटल डायरेक्टली हम क्या करेंगे? डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, पहले उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे, बाद में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब, फॉर एग्जांपल ऐसा बोलो, ऑनर और बिजनेस, ऑनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक चीज याद रखो, ऑनर और बिजनेस ऑलवेज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ऑनर को बिजनेस स्टार्ट करना है तो लॉजिकली बच्चों फ्री में बिजनेस तो स्टार्ट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? बिजनेस पे करना पड़ेगा। तो उसका मतलब ऑनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऑनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को कैश देता है, कोई असेट्स देता है, एक्सेट्रा।
फॉर एग्जाम्पल ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश लिया 5 लाख. असेट्स लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर एक्सेट्रा लॉजिकली है. बिजनेस करना है तो एक अच्छा शॉप चाहिए, फर्नीचर चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, एक्सेट्रा चाहिए. अज्यूम करो वो सब उन्होंने बिजनेस को दिया 2 लाख. तो टोटल हम छोटी अमाउंट रखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 7 लाख. टू स्टार्ट बिजनेस क्या लिखना है, कौन सा वर्ड आना चाहिए, टू स्टार्ट बिजनेस. ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को जो कैश देता है असेट के फॉर्म में, कोई भी असेट देता है, तो वो जो असेट और कैश है, ये जो 7 लाख रुपीज है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल. बोलेंगे क्या, बोलेंगे कैपिटल. तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी पर्सन आज अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करे, कैश के फॉर्म में, असेट्स के फॉर्म में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करे, वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल. ये जो अमाउंट है वो कैश फॉर्म में भी हो सकती है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर वो फॉर्म में भी हो सकती है. तो यानी कि इन्वेस्टमेंट कोई भी फॉर्म में हो सकता है. तो शॉर्ट में याद रखना है कि ऑनर जो बिजनेस को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देगा, वो अमाउंट को हम जनरली क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कैपिटल. ये हमने एग्जांपल देखा. अब यहां पे हम उनको आपकी बुक की लैंग्वेज में से पढ़ते हैं. इन्वेस्टमेंट मेड बाय, एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर. मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ऑनर. किसको पैसा देगा, बिजनेस को. और इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू कमेंस बिजनेस. कमेंस बिजनेस का मतलब टू स्टार्ट बिजनेस. इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू कमेंस द बिजनेस इज नॉट एज अ कैपिटल. सीधी बात है, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी, तो वो अमाउंट को हम जनरली क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल है. ऑनर हैज ब्रॉट, ऑनर ऑनर ने क्या क्या बिजनेस को दिया, 10,000 कैश दिया, 6,000 फर्नीचर दिया, 8,000 गुड्स दिया. तो ऑनर ने बिजनेस को 10,000 रुपीज की कैश दी, 6,000 की फर्नीचर दी, 8,000 का गुड्स दिया. तो वो जो टोटल अमाउंट दिया 24,000 बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसको हम बोलेंगे कैपिटल. क्या बोलेंगे, कैपिटल. तो उसका मतलब ऑनर ने इतनी अमाउंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की. क्या की, इन्वेस्टमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट बच्चों आ सकता है. तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट नंबर टू, कैपिटल. कौन सा कंसेप्ट हुआ, कैपिटल. अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं. इससे पूरा रिवर्स कंसेप्ट होगा, ड्रॉइंग. ये हमारा थर्ड कंसेप्ट हुआ, ड्रॉइंग. कई बच्चे बोलते हैं सर ड्रॉइंग का मतलब पेंटिंग, जो आप ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो. आप अपनी तरीके से सही हो, क्योंकि आपको 10th स्टैंडर्ड में कहीं पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्रॉइंग नहीं समझाया. इज दैट क्लियर. बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्रॉइंग वो पेंटिंग वाला नहीं है. इज दैट क्लियर. वो अलग टर्मिनोलॉजी है. ये बिजनेस के एस्पेक्ट है. ये कौन से एस्पेक्ट है, बिजनेस. वो ड्रॉइंग स्किल एस्पेक्ट है, अकॉर्डिंग है. ये जो है वो बिजनेस के एस्पेक्ट है. पहले हम इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, बाद में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर उल्टा होगा. ऑनर और बिजनेस. बच्चों ऐसा हो सकता है कि ऑनर को कभी कभी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए मनी की जरूरत पड़े. वर्ड याद रखना, पर्सनल यूज. कौन सा यूज, पर्सनल यूज. कभी कभी ऑनर को अपने बिजनेस में मनी की जरूरत पड़ती है. कौन से यूज के लिए, पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के आपकी बुक में एग्जाम्पल ये ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ठीक है, ये हुआ सब पर्सनल एक्सपेंस. कभी कभी ऑनर को अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉन करने पड़ते, मनी विड्रॉन करने पड़ते. कौन से यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए. कौन से, पर्सनल यूज के लिए. एक चीज याद रखना, बिजनेस यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉन करे तो उसको हम ड्राइंग नहीं बोलेंगे, उसको हम ड्राइंग नहीं बोलेंगे. पर्सनल यूज के लिए अगर वो ऑनर बिजनेस से मनी विड्रॉन करता है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग. ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, या फिर अपने घर पे जो वर्कर आते वो, लाइट बिल, या फिर मैं सर शॉर्ट में बोल सकता हूं हाउस होल्ड एक्सपेंस. हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब आप समझ गए कि हमारे घर पे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब के लिए हमारे फादर बिजनेस से जो रुपीज लाते हैं उनको हम जनरली बोलेंगे ड्रॉइंग. क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग. तो ड्रॉइंग का मतलब ये हुआ कि कभी कभी ऑनर बिजनेस से कोई पर्सनल यूज के लिए कोई भी मनी विड्रॉन करे
तो वो जो मनी होते हैं वो मनी को हम जनरली क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग। देखो बच्चों एक चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कैपिटल और ड्राइंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कैपिटल में ऑनर बिजनेस को रुपीज दे रहा था, कैपिटल में ऑनर बिजनेस को रुपीज दे रहा था, ड्रॉइंग में बिजनेस ऑनर को रुपीज दे रहा है। इज दैट क्लियर? कैपिटल में क्या था? ऑनर बिजनेस को रुपीज दे रहा था, यहां पे उल्टा है, ड्रॉइंग में बिजनेस ऑनर को रुपीज दे रहा है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना कि कैपिटल और ड्रॉइंग की डिफरेंस में ये दोनों डिफरेंस है। वहां पे ऑनर टू बिजनेस होगा कैपिटल में, और ड्रॉइंग में बिजनेस टू ऑनर होगा। अब आपकी बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आए ड्रॉइंग का मतलब। पर्सनल असेट्स एंड प्रॉपर्टी, पर्सनल असेट्स एंड प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सनल असेट ले जाए। पर्सनल असेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि आपके फादर का स्टेशनरी का बिजनेस है, तो लॉजिकली आपको स्टेशनरी बाहर से तो नहीं लाना पड़ेगा। आपके फादर आपके लिए इरेजर, पेन, पेंसिल, बुक्स, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा आपके लिए लाए, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल असेट्स। क्या बोलेंगे? पर्सनल असेट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा खुद का बिजनेस है और खुद के बिजनेस के गुड्स स्टॉक हम अपने घर पे ले जाए खुद के यूज के लिए, तो उसको बोलेंगे पर्सनल असेट। यानी कि पर्सनल असेट्स एंड प्रॉपर्टीज गिवन बाय ऑनर टू बिकम द असेट्स ऑफ बिजनेस। सीधी बात है कि हम अपना स्टॉक या फिर कोई भी प्रॉपर्टीज हम किसको देते हैं? बिजनेस को। अब ध्यान से सुनो, व्हेन बिजनेस ऑनर विथड्रॉ असेट्स, यही असेट्स आपके फादर बिजनेस से ले ले आपके लिए पेन, पेंसिल, इरेजर, टेक्स्ट बुक, बुक्स एक्सेट्रा, व्हेन बिजनेस ऑनर विथड्रॉ असेट्स फ्रॉम द बिजनेस मींस इन फॉर्म ऑफ कैश और फॉर पर्सनल यूज। यानी कि बिजनेस जो है बिजनेस ऑनर वो अपना मनी विथड्रॉ करे या फिर कोई असेट विथड्रॉ करे कौन से पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। कौन से पर्पस के लिए? पर्पस, या तो वो कैश विथड्रॉ कर सकता है फीस पे करने के लिए, या तो फिर वो गुड्स विथड्रॉ कर सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ऑनर बिजनेस में से कोई भी गुड्स या फिर कोई कैश अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विथड्रॉ करेगा, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो उसका मतलब सिंपल फंडा है कि बिजनेस में से अपना ऑनर खुद कोई कैश या फिर कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन करे। कौन से यूज के लिए विड्रॉन करे? पर्सनल यूज के लिए। तो जनरली हम उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब यहां पे एक और दिया है, देखो ये दोनों चीज आपको मैंने समझाया। जब ऑनर बिजनेस को बिजनेस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस, जब ऑनर बिजनेस को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करे तो हम उनको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। यहां पे ध्यान रखो, When owner withdrawn assets or goods for personal use, तब उसको हम बोलेंगे drawing। क्या बोलेंगे? drawing। यहाँ पे क्या था? owner business को दे रहा है, और यहाँ पे क्या था? business owner को दे रहा है। तो this is capital, यानी कि C means capital, और यहाँ पे D means capital। Is that clear? तो उसका मतलब जब owner business को देगा तो capital बनेगा, और बिजनेस ऑनर को देगा तब क्या बनेगा? ड्राइंग बनेगा। क्लियर? ये बच्चों हुए हमारी तीन डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, नंबर टू कैपिटल, एंड नंबर थ्री ड्राइंग। और डेफिनेशन पार्ट टू में हम अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।